जहां मरकजी हुकूमत से मुतालिक मुख्तलिफ कयासराइयां हो रही हैं, तो वहीं इस वक्त बलूचिस्तान में भी सियासी बहरान की कैफियत है। 2018 में नून लीग की बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने और सेनेट इंतखाबात में उसकी अक्सरियत रोकने के लिए रातों रात बनने वाली जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी इक्तदार के तीसरे साल में ही अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई है। इस वक्त बलूचिस्तान की सियासत ने एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर ली है। हुकुमरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इतिहादी जमात के नाराज अरकान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, वाजे कर चुके हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान मुस्ताफी हों और माइनस जाम कमाल के अलावा कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं, जबकि इससे पहले तीन हुकूमती वुज़रा और दो मुशीर मुस्ताफी भी हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों 14 अरकान ने बलूचिस्तान असेंबली में वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और गवर्नर बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इस हवाले से फौरी असेंबली का इजलास तलब करें, मगर जाम कमाल ने मुस्ताफी होने के ऑप्शन को रद्द कर दिया है। वजीर आला मुतमईन है कि अक्सरियत अब भी उनके साथ है और वादे किया है कि 3 से 4 दिन में तहरीक अदम एतमाद पर असेंबली का इजलास होगा और नंबर गेम वाजे हो जाएगी। इन ख्यालात का इजहार आज उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद भी किया। जाम साहब, आपकी मुलाकात हुई वजीर आजम साहब से, क्या बातें हैं, कुछ शेयर करेंगे सर? जी, बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम्स को इम्प्रूवमेंट और इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। जी इंशाल्लाह अदम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर इस्तीफा किस तरह देंगे? नाकाम नहीं, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसी इस्तीफा की बात ही नहीं है, कोई क्यों देंगे? नहीं होगा क्या, तहरीक इत्मीनान पर वोटिंग होगी? जी वोटिंग होगी। आप चाहते हैं वोटिंग हो? बिल्कुल, अच्छी बात है, वाजे हो जाए। कब होगी सर? मैं खाली आने वाले 3-4 दिन में होगी इंशाल्लाह। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब बनी थी तो मौजूदा वजीर आला जाम कमाल उसके सदर बने, मगर इख्तलाफात की खबरों के दौरान हाल ही में जाम कमाल ने पार्टी सदर से इस्तीफा दे दिया और 2 दिन पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी के नायब सदर और मुस्ताफी होने वाले सूबाई वजीर जहूर बुलेदी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपने इस्तीफे से ही पीछे हट गए और वाजे किया कि वो अब भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं। और आज जाम कमाल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की और ज़राए के मुताबिक जाम कमाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि जहूर बुलेदी का बतौर पार्टी सदर नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और अब भी पार्टी के मरकजी सदर वही हैं। अब दिलचस्प सूरत हाल है, दोनों ग्रुप हिमायत हासिल करने के लिए मुतहरिक हैं। आज वजीर आला बलूचिस्तान की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी हुई और अब मामला तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक जा चुका है। इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्यादी जमातों के अरकान की तादाद 41 है, जिसमें से 14 अरकान अपना जहन वाजे कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जाम कमाल किसी सूरत कबूल नहीं है, जबकि अहम बात यह है कि नाराज अरकान की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले बलूचिस्तान असेंबली की अपोजिशन जमातों के 16 अरकान ने गुज़िश्ता माह ही वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिसे गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट ने टेक्निकल बुनियादों पर एतराज लगाकर वापस कर दिया था। यानी अगर नाराज अरकान अपोजिशन को साथ मिला लेते हैं तो फिर वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, मगर अपोजिशन नाराज अरकान का साथ क्यों देगी, क्या उनसे राबते किए भी गए हैं? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है नाराज रुकन और साबिक सूबाई वजीर जहूर बुलेदी। जहूर बुलेदी साहब, बहुत शुक्रिया। जहूर साहब, ज़ाहिर वजीर आला बलूचिस्तान ने 2 हफ्ते पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, आज वजीर आजम से मुलाकात की, वो पूरे एतमाद भी हैं, आपके साथ अरकान भी 14 हैं, 65 का हाउस है, आपकी तादाद भी पूरी नहीं है, तो कैसे हटा लेंगे आप उन्हें? देखें, ये 65 की असम्बली है और जाम साहब के पास तकरीबन कोई 26 मेंबर्स हैं कोएलिशन के साथ मिला के। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं 12 अरकान उनसे नाराज़ हैं और जो कोएलिशन पार्टनर्स में भी हमारे साथ जो हैं 3 हैं, टोटल हम 15 लोग हैं। और जब एक वज़ीर आला के खिलाफ जो है वो अददी अक्सरियत खो चुके हैं तो उसको फिर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो वो देखें, वो अखलाकी जवाब भी खो चुके हैं, तो उस हवाले से हमने उनको कहा था कि आप मेहरबानी करें, आप अददी जो हैं अक्सरियत खो चुके हैं तो आप जो हैं ख़ुद स्टेप डाउन कर जाएं। लेकिन चूंकि उन्होंने हमारी बात को हवा में उड़ा दी, तो अपोजिशन डेफिनेटली देखें हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मूव आ रही है तो अपोजिशन तो साथ देगी, क्योंकि अपोजिशन के साथ जो इसका रवैया था 3 सालों में, उनको जेलों में बंद किया, उनके खिलाफ़ बख्तर बंद गाड़ियाँ चढ़ा दी और एक पूरे दुनिया पाकिस्तान में एक तमाशा बना दिया सुबह असेंबली को, तो वो तो जाम कमाल को किसी सूरत में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस हवाले से हमारे तकरीबन कोई 40-45 बंदे जो हैं जाम कमाल के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो उस हवाले से हमने उनको कहा कि जी आप मेहरबानी करें, चूँकि आप आज़ादी की अक्सरियत खो चुके हैं, आप जो हैं रिज़ाइन कर दें, अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे तो अदम एतमाद की मोशन आ चुका है। मगर आपने बात भी की अपोजिशन से या आपने खुद ने जहन बना लिया कि अपोजिशन आपका साथ दे देगी? देखिए, ये तो अंडरस्टूड है, हमने भी बात की है, जाम कमाल साहब भी उनके पास गए हैं, मौलाना गफूर अदरी साहब के पास गए हैं, बीएनपी मेंगल से भी रब्ता किया है। ये तो सियासत में होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो रबते रहते हैं अपोजिशन के साथ, तो जितने भी हमारे कोएलिशन पार्टनर्स हैं, एनपी है, एचटीपी है, उनके साथ भी हमारे रबते हैं।
तो हमारा मकसद ये है कि जी चूँकि एक बैड गवर्नेंस है पूरे सूबे में, तो हम इसको जो है उसकी ज़िम्मेदार जो है जाम कमाल साहब हैं, तो उनको निकालें, फिर हम जो है कोएलिशन के साथ मिल के एक अच्छी हुकूमत बनाते हैं। मतलब सिर्फ अपोजिशन से ही रबते किए या कहीं और भी किए हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी पार्टी एक खास हालात में बनाई गई थी, खुद नहीं बन गई थी, तो क्या खुद से ही टूट जाएगी, कोई और रबते या ऐसी बात हुई है? देखिए, सूबाई असम्बली के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हमने रबता किया है। कल हमने जो है बयान भी दिया था कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमें इसमें जो है सालसी का किरदार अदा करना चाहें तो वो कर लें, क्योंकि वो हमारे सूबे में भी कोलिशन पार्टनर्स हैं और हम बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं या फेडरेशन में भी जो है पार्टनर हैं, तो उस हवाले से उनका रोल बनता है। अगर वो इस मामले को जो है अफहाम व तफहीम से हल करना चाहें और जाम कमाल साहब से अगर वो कह दें कि जी आपके कोलिशन पार्टनर्स या जो है आपकी अपनी पार्टी आपके ख़िलाफ़ है, तो उनको मशवरा दे सकते हैं, अदरवाइज हमारा किसी और के साथ कोई रबता नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। ये तो अच्छी बात है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रही है, मगर वजीर आला ने ट्वीट किया कि 2 से 7 बजे तक तो ये सारे वजीर मेरे साथ बैठे होते थे, मुख्तलिफ फंक्शंस में मेरे साथ जाते थे, मुख्तलिफ अफेयर्स में मेरे साथ होते थे, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देते तो आज शायद अवाम के लिए कुछ कर पाते। तो ये उनकी अकेले की नाकामी कैसे है जब आप उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठा रहे हैं? देखें, जाम कमाल साहब का एक वतीरा है कि ना वो ख़ुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। उनकी गवर्नेंस बलूचिस्तान में बड़ा मशहूर है कि सारा दिन जो है 7-7 घंटे की मीटिंग्स करते हैं, सारे सेक्रेटरीज़ को अपने पास बुलाते हैं और उसका कोई आउटकम नहीं आता। और जहां तक देखें उनके एतमाद की बात है, तो जब से हुकूमत बनी है कोई ना कोई नाला रहा है। पीटीआई का जो पार्लिमानी लीडर है वो भी नाला रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। इसके अलावा जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी जो है आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन जब लोगों ने देखा कि जाम कमाल खान पे जो है बलूचिस्तान के अवाम का एतमाद उठ चुका है, अवाम उनको नहीं चाहती। आप देखें बलूचिस्तान में जो भी हक की आवाज़ उठाता है, कोई स्टूडेंट हो या टीचर हो या जो है कोई और मुलाजिम हो, डॉक्टर हो, सबको पुलिस के ज़रिए डंडे पड़ते हैं। तो हम लोग आम पोलिटिकल वर्कर हैं, पोलिटिकल लोग हैं, हमने अपने हल्कों में जाना है। जो इस बैड गवर्नेंस का जो है असर है वो हमें डेफिनेटली असर करेगी। लोग कल हमसे पूछेंगे कि देखें आप हुकूमत में थे, हमारे बजाय मसाइल हल करने के आपने जो है हमें ऊपर से पुलिस के ज़रिए डंडे पड़वाया, आपने हमारे मामलात ख़राब कर दिए। तो एक मजबूरी की सूरत में जो है हमने ये इंतहाई कदम उठाया है, ताकि चूँकि हम देखिए हम बलूचिस्तान के ना सिर्फ मेंबर्स हैं बल्कि हम एक बड़ी तादाद की जो है तर्जुमानी करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। जब किसी गवर्नमेंट पर अवाम का एतमाद उड़ जाए तो डेफिनेटली जो है वो फिर उसका रहना जो है वो अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है। यानी आप कह रहे हैं 3.25 साल में बलूचिस्तान हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है अवाम के मसाइल हल करने में और उसकी बहुत बुरी गवर्नेंस रही है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं और मैं साबित भी कर सकता हूं। देखें बलूचिस्तान का मामला क्या है, बलूचिस्तान का मसला तो सियासी है। जब आप सियासत से हट के एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में हुकूमत चलाएंगे, अपने आप को एक मैनेजर बना के रखेंगे, तो देखें फिर हुकूमत नहीं चलेगी, फिर मसाइल जन्म लेंगे और उन्हीं मसाइल की वजह से जो है आज अदम एतमाद जो है उसके खिलाफ सूबे असेंबली में आ चुका है। और नाकाम हो गई आपकी अदम एतमाद तो फिर क्या होगा? हमारी हुकूमत अदम एतमाद बिल्कुल नाकाम नहीं होगी। हमारे पास जो है अददी तादाद है, मैं आपको गिनवा सकता हूं, 15 लोग हमारे हैं, 24 अपोजिशन के हैं और जाम साहब के पास सिर्फ जो है 26 लोग हैं, और वो भी देखिए पार्टी हमारे साथ है। हम उनके साथ पास भी जाएंगे, हम पीटीआई के पास भी जाएंगे, हम जो है HDP के पास जाएंगे, हम NP के पास जाएंगे। उनका इत्तेहाद जाम कमाल से नहीं था, उनका इत्तेहाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ था और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 80% लोग हमारे साथ हैं, तो इसीलिए उनको भी अपनी जो है हिमायत का नज़रसानी करना चाहिए, उनको भी हमें हमारी हिमायत करनी चाहिए।